कायमा कमेटियों के जरिए कानून साजी की जाती है। स्पेशल कमेटी वन की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। अपोजिशन ने स्पेशल कमेटी वन को गैर आईनी करार दे दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इखलाक बाजवा से। इखलाक आगाह कीजिए। अपोजिशन ने स्पेशल कमेटी वन को एक मरतबा फिर गैर आईनी गैर कानूनी करार दे दिया। कमेटी ने स्पेशल कमेटी नंबर वन में शिरकत करने वाले अपने रुकने पंजाब असेंबली डॉक्टर मुजफ्फर अली शेख से वजाहत की भी तलब करने का फैसला कर लिया है। अपोजिशन के रुकन सबका सूबाई वजीर मलक नदीम कामरान का ये कहना था कि कानून साजी कायमा कमेटियों के जरिए की जाती है। जहां मौजूदा हुकूमत की नाहली है कि अब तक कायमा कमेटियों की तश्कील नहीं की जा सकी और स्पेशल कमेटियों वन की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। हुकूमत ने ऐसे असेंबली कवानीन की मुनाफी इकदाम उठा रही है। असेंबली कवानीन मुनाफी इकदाम तमाशा और लम्हा फिक्रिया है। मुजफ्फर अली शेख ने स्पेशल कमेटी वन में किस हैसियत से शिरकत की इस हवाले से भी तहकीकात कर रहे हैं। जी ठीक है, तहकीकात भी जारी है। इखलाक बाजवा, बहुत शुक्रिया।